बच्चों लोग पढ़ रहे हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, 2D मोशन का लेक्चर 2 है। 2D मोशन के बारे में खास बात जो याद रखने वाली वो एक ही लाइन है, बिल्कुल सिंपल सी, कि टू परपेंडिकुलर मोशंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ओनली टाइम इज सेम। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल को कल वाले को रिपीट करें लास्ट लेक्चर को हम लोग, h हाइट से आपने किसी पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u दी है, इसके बारे में डिस्कशन करनी थी कि कितने टाइम में नीचे गिरेगा। इसका ux u है तो ax 0 हो गया, uy की वैल्यू 0 है और ay की वैल्यू g है। अगर ये साइड पॉजिटिव बोलते हैं तो प्लस g, ये प्लस h हो जाएगा। अगर ऊपर की साइड भी पॉजिटिव बोलते हैं, ये साइड पॉजिटिव बोलते हैं, तो ये ay माइनस g हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट माइनस h हो जाएगा। ये चार पैरामीटर्स हैं आपके पास सॉल्व करने के लिए, और ये रेफरेंस फ्रेम है। पांचवा पैरामीटर ये रहा डिस्प्लेसमेंट y के, हम पता है इन पांच पैरामीटर से सारी डिस्कशन सॉल्व होगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कल वाले आर्टिकल्स की ही, टाइम ऑफ फ्लाइट। इसके लिए हमने फॉर्मूला रिड्यूस किया था, बात की थी अलोंग y से, क्योंकि अलोंग y में तीन पैरामीटर पता है, टाइम आ जाएगा सेकेंड इक्वेशन से। y equal to u by t plus half a y t square, u y minus h है, u y 0 है, ये minus g है, time we are looking for, तो t की value आगे 2 root of 2 h by g, it is time of flight। time of flight का मतलब जितने टाइम तक body motion में रही, ये ऐसे गिरेंगे हम लोग जानते हैं, this is time of flight। टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद बात की गई थी रेंज के बारे में। रेंज का मतलब था, मतलब होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड विद इन टाइम कैपिटल टी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम टी। तो अलोंग एक्स लिखना है, ये तो अलोंग एक्स लिखना है, तो अलोंग एक्स इक्वेशन है यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। इस बात को मैथमेटिकली लिखेंगे कि t इक्वल टू t होगा तो x r के बराबर होगा। वैल्यू तो आपके पास ये दो आ गई और ये तीसरी वैल्यू आ गई, चौथी वैल्यू आपको रेंज निकालनी है, तो सेकंड इक्वेशन यूज कर रहे हैं। तो ये r इक्वल टू यू टी, ए एक्स जीरो है, r इक्वल टू यू रूट टू एच बाई जी, ये रेंज का एक्सप्रेशन बन गया। देख के बता दीजिए यहां तक बात समझ में आ गई सबको, ये टाइम ऑफ फ्लाइट, ये रेंज। तीसरी चीज डिस्कशन में ले रहे हैं वो है इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी। हम लोग जानते हैं कि ये नीचे की तरफ मुड़ रहा है, जैसे जा रहा है नीचे की तरफ मुड़ रहा है, एक्स के अलोंग वेलोसिटी कभी नहीं बदलेगी इसकी, क्योंकि एक्स के अलोंग एक्सेलरेशन ही नहीं है, लेकिन वाई के अलोंग वेलोसिटी पक्का बदलेगी। एक्स और वाई के अलोंग अलग अलग वेलोसिटी निकाल के फिर हम नेट वेलोसिटी निकालेंगे, डायरेक्शन निकालेंगे। तो हम लोग बात कर लेते हैं वेलोसिटी की, स्पीड की, डायरेक्शन। तो वेलोसिटी एट टाइम टी निकाल रहे हैं, हेडिंग है हमारी नेक्स्ट, वेलोसिटी एट टाइम टी सेकंड। तो पहले अलोंग एक्स बात कर लेते हैं, अलोंग एक्स इक्वेशन बन जाएगी वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, सबके सबस्क्रिप्ट ए एक्स, एक्स डालते सबके सबस्क्रिप्ट, जो हमने सबस्क्रिप्ट लिए वो x लगा लीजिए, हम x के लोग बात कर रहे हैं, vx we are looking for, ux की वैल्यू u और ax की वैल्यू 0 है, तो x के लोग स्पीड कभी नहीं बदलने वाली, वेलोसिटी कभी नहीं बदलने वाली। लेकिन along y बात करें तो एक्सेलरेशन है, vy equal to uy plus ayt, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो इक्वेशन वैलिड होगी, vy equal to uy 0 है minus gt, vy की वैल्यू आ गई minus gt। ये x के अलोंग और y के अलोंग वेलोसिटीज आ चुकी हैं, वेलोसिटी का वेक्टर फॉर्म इस शक्ल का होना चाहिए। तो ये बन गया u i cap minus gt j cap। आराम से सोच के बताना है क्या ये वेलोसिटी वेक्टर समझ में आ गया आप सबको क्या? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो होता है दैट इज कॉल्ड स्पीड, स्पीड वी आर लुकिंग फॉर नाउ, तो स्पीड की वैल्यू आ जाएगी vx का स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर अंडर रूट, ये u स्क्वायर है, ये माइनस जी टी का स्क्वायर प्लस जी टी बन जाएगा, तो ये आ गई है स्पीड। स्पीड के साथ साथ हमें डायरेक्शन चाहिए,
तो हम डायरेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो डायरेक्शन के बारे में देखिएगा, डायरेक्शन कितने एंगल से ये बेंड हो चुका है, ये एंगल थीटा है, तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी ये चेक कर लेते हैं। ये वी एक्स वेक्टर, ये वी वाई वेक्टर है, तो टेन थीटा की वैल्यू साफ दिखाई दे रही है, वी वाई बाई वी एक्स, वी वाई बाई वी वाई की वैल्यू माइनस जी टी है और ये यू है, तो टेन थीटा की वैल्यू माइनस जी टी बाई यू। नेगेटिव का सिर्फ एक ही मतलब है कि ये एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ है। अगर आपको एंगल का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं टेन इनवर्स से, मैं ये एंगल की वैल्यू यहां लिख रहा हूं, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स जी टी बाई यू। नेगेटिव लगाना चाहे नेगेटिव लगा सकते हैं, नेगेटिव का मतलब अभी सिर्फ यही होगा कि ये एक्स एक्सिस से बिलो मेजर किया गया। क्या यहां तक की बात तुम सबको क्लियर हो गई है, सभी को क्लियर हो गई है? आप सबसे पूछ रहा हूं, क्लियर हो गया सबको, फिर से देख लीजिए, यहां तक नोट कर चुके हैं? अब इस चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं, ढंग से सुनिएगा बात, इस चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं, ढंग से सुनिएगा बात, बड़ा आसान सा मामला है, कोई गड़बड़ वाली चीज मत कीजिएगा, आसानी से सीखिएगा। एंगल निकालना आगे आपको वी वाई बाई वी एक्स से एंगल आ रहा है, भूलिएगा मत, एंगल हमेशा वी वाई बाई वी एक्स से आ रहा है अगर हम एक्स एक्सिस से मेजर कर रहे हैं। किसी भी जगह पर कोई वेक्टर अगर हो आपके पास, बड़े ढंग से सुनिएगा, अगर आपके पास ए एक्स हो ए वाई हो, ए वाई ऊपर नीचे फर्क नहीं पड़ता, एंगल मेड बाय वेक्टर विद एक्स एक्सिस जो होता है वो हमेशा ए वाई बाय ए एक्स से आता है। अगर ए वाई पॉजिटिव ए एक्स पॉजिटिव का फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, ए वाई नेगेटिव हो ए एक्स पॉजिटिव हो तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, ए एक्स नेगेटिव हो ए वाई पॉजिटिव हो तो आप सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, दोनों ही नेगेटिव हो तो थर्ड क्वाड्रेंट। तो मैं सब समझ में आनी चाहिए कि टेन थीटा की वैल्यू ए वाई बाई एक्स से आएगी। मैं अपने क्वेश्चन की शुरुआत करता हूं, यहां से समझिएगा, इस क्वेश्चन को समझिएगा, इस सारे को फिर से इरेज कर रहा हूं मैं, आराम से देखिएगा प्रॉब्लम जो मिलने वाला हूं, बहुत मुश्किल चीज नहीं है, आसान से समझ में आ जाने वाली चीज है, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ होना चाहिए, गड़बड़ मत कीजिए। देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन ले रहा हूं, आपको दिया गया है कि आपने एक हाइट पर खड़े होकर एक बॉल को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है e इक्वल टू जीरो। बॉल और क्वेश्चन की वर्डिंग सर साथ साथ में, अ बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम सम हाइट एंड अलाउड टू फॉल अंडर ग्रेविटी, तो इसका ux तो आपको मैंने u दे दिया, अलाउड टू फॉल अंडर ग्रेविटी है तो इसका कंफर्म ay g हो गया और u by 0 का बिकॉज़ इट वाज थ्रोन हॉरिजॉन्टली। बिकॉज़ सिंपल सा तीन क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, यहां से आपको बताना है, फाइंड टाइम व्हेन वेलोसिटी वेक्टर मेक्स एंगल 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। जब वेलोसिटी वेक्टर 30 डिग्री का एंगल बनाए, 45 का एंगल बनाए, 60 का एंगल बनाए हॉरिजॉन्टल के साथ, वो टाइम निकालना, तो आपको क्या बोलना आना चाहिए वो आपको बोलना सीखना बेटा। क्या किया जाए, 30 की बात आ रही है तो आप कह रहे हैं कि वेलोसिटी वेक्टर हॉरिजॉन्टल के साथ 30 एंगल बनाए, फिर 45 बनाए, 60 बनाए, वो टाइम निकालना, फाइंड दैट इंस्टेंट, फाइंड दैट टाइम, क्या करें बोल दीजिए आप लोग, बोल बैठे क्या करें बेटा, tan थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, इसको अगर थीटा बोलते तो tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी, इसको बोल दीजिए आप कैसे निकाले tan थीटा की वैल्यू, ax 0 है ux u है तो पहले बोलना आना चाहिए सर ये u कभी नहीं बदलेगा, बताओ क्यों नहीं बदल रहा, लाउडली बोलिए ux चेंज क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि एक्सर्शन x के लोग नहीं है, ux चेंज क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि x के लॉन्ग एक्सीलरेशन नहीं है, y के लॉन्ग स्पीड क्यों बढ़ रही है, क्योंकि एक्सीलरेशन है, तो t टाइम के बाद स्पीड पक्का कितनी हो जाएगी, gt हो जाएगी, ये कैसे लगा,
dy इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी से पता लगा, ये जीरो गिवन है, ये जी गिवन है, माइनस जी से डायरेक्शन के लिए कोई इश्यू नहीं है। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है हम सबके सामने, जी टी बाई यू। तो क्वेश्चन पहला सॉल्व हो गया, टेन थीस इक्वल टू जी टी वन बाई यू, टी वन मतलब ये वाला इंस्टेंट, तो टी वन ये वन बाय रूट थ्री हो गया इक्वल टू जी टी वन बाई यू, तो टी वन की वैल्यू यू बाय रूट थ्री जी। हाँ ना जवाब दे दीजिए, क्या पहले क्वेश्चन आंसर आपको सबको समझ में आ गया सर? वैल्यू पुट किया टेन थीटा की और टाइम निकालना, दिस इज द टाइम when angle made by velocity vector with horizontal is 30 degree, और मैं पूछूं 45 करना है तो तुम कहोगे यार tan 45 लिखो जी, tan 45 1 होता है तो वो टाइम आ गया u by g, और अगर 60 डिग्री का बोला तुम कहोगे यार 60 लिख दो, tan 60 root 3 होता है तो आ जाएगा root 3 u by g। क्या आपको सेकंड क्वेश्चन का आंसर और थर्ड क्वेश्चन का आंसर ये सारे आंसर समझ में आ गए क्या बच्चों? चेक कर लो, जवाब दे दीजिए, सबको समझ में आ गई बात? कैसे इंस्टेंट कैसे फैक्ट निकाले गए? रेज योर क्वेश्चन बच्चों, इफ यू हैव एनी डाउट एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन आस्क, रेज योर क्वेश्चन बच्चों। नहीं डाउट कोई भी इसको लिखिए बच्चों। टाइम कैसे निकल सकते हैं आपके सामने बच्चों? एक क्वेश्चन तुमसे फिर पूछूंगा, यहां से सोच के देखिएगा ध्यान से, सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन नहीं बोला जो पूछने जा रहा। सबका ध्यान यहां पर होना चाहिए क्वेश्चन की तरफ। टू identical pebbles are thrown from a tower in opposite direction with the same speed u after what time their velocity vectors will be perpendicular to each other? Two pebbles, two marbles, two particles, two balls are projected from a tower in opposite direction with same speed. After what time the velocity vectors will be perpendicular to each other? इस क्वेश्चन का डायग्राम अपने अपनी कॉपी में बनाइए बच्चों। इस बात का डायग्राम अपने अपनी कॉपी में बनाइए। तो पढ़िए और इसका डायग्राम अपनी कॉपी में बनाइए बच्चों। Two identical pieces are projected from a tower in opposite direction to each other, इसका डायग्राम बनाइए बेटा। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायग्राम पेन चलाने का मतलब आपको सॉल्यूशन जल्दी दिखाई देंगे बात के, अगर आप डायग्राम ढंग से बना पाए तो। अगर आइडेंटिकल स्पीड से फेंक गया तो आइडेंटिकली गिरेंगे, जैसा राइट पैडल का मोशन होगा वैसे लेफ्ट पैडल का मोशन होगा। सब बच्चे फिर डायग्राम बनाते हुए दिखाई देना चाहिए, क्वेश्चन लिख कर दिखाई ना दे आप लोग, मुझे डायग्राम बनाते हुए दिखाई दे आप लोग। वर्क ऑन द प्रोसेस, उस क्वेश्चन की वर्डिंग पे काम करें फिलहाल, डायग्राम बनाते हुए दिखाई दे आप लोग।
एनी आइडिया? तेजी को पता ही क्या डायमंड है आपका बेटा, देखिए सही कुछ समझ में आ रहा है? तेजी का तरफ से पूछता हूं मैं, मुझे बताना बेटा इनिशियली व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर्स ऑफ बोथ, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर की दिशा एंगल क्या है बेटा? इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या है बेटा? वेक्टर्स के बीच का एंगल का मतलब होता है टेल और टेल के बीच का एंगल। ये टेल से दो वेक्टर आ गए, एक को तुम यू फेंक रहे हो, तुम यू फेंक रहे हो, तो ऑब्वियस है व्हेन दे आर थ्रोन अपोजिट टू ईच अदर इनिशियल एंगल बिटवीन देयर वेलोसिटी वेक्टर इज 180 डिग्री। जो तुमने कहा वो बिल्कुल सही है कि अगर इसको यू फेंका जा रहा है और इसको यू फेंका जा रहा है तो ऑब्वियस है कि इनिशियल एंगल जो है वो 180 है जी, और मोशन दोनों तरफ आइडेंटिकल होगा, है ना? मुझे दीजिएगा सेम टाइम में सेम नीचे गिर रहे होंगे, थोड़ी देर के बाद इनके वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल क्या 180 रहेगा क्या? तुम बोलोगे नहीं, अब इनके वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल तो बदल चुका है, इनके वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल ये रहा, स्टार्टिंग किससे हुई थी दोनों के वेलोसिटी वेक्टर के बीच की 180 से, लेकिन अब एंगल चेंज हो चुका है। थोड़ा और आगे जाएंगे तो मे बी पॉसिबल दैट वी कैन गेट दैट पोजिशन वेयर बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, we can get that position where velocity vectors are perpendicular to each other. What it means, ये angle 90 का हो गया मतलब पक्का ये वाला 45 से झुक चुका है और ये वाला भी अपनी इस जगह से 45 झुक चुका है, हाँ ना? मैं जवाब दे दीजिए बच्चों, तभी बीच का एंगल कितना बनेगा, इनके बीच का वेलोसिटी वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 बनेगा। अगर इस क्वेश्चन में बोलता कि एंगल बिटवीन देम इज 120 डिग्री, ये एंगल 120 होने के लिए इसको 30 से झुकना पड़ता, इसको 30 से झुकना पड़ता तो बीच का एंगल 120 आ जाता। यस और नो में कमेंट कीजिएगा, बात समझ में आ रही है क्या? तो आपने 30 से झुकने का भी टाइम निकाल लिया पिछले क्वेश्चन में, U by root 3 जी, 45 से झुकने का टाइम निकाल लिया आप लोगों ने U by G, क्या आपको बात समझ में आई? क्वेश्चन की वर्डिंग थोड़ा सा चेंज करके पूछी गई है लेकिन डिमांड उसी एंगल पे चल रही है, क्या तुम सबको ये आइडिया समझ में आ गया जो बताया गया अभी बच्चों? किस तरीके से इस चीज का यूज करेंगे तुम सबको समझ में आ रहा है क्या? अरे जवाब तो दो यार, भाई ब्रेकफास्ट करके नहीं आए क्या? मैं करवा देता हूं, तो टाइम में समझ में आ गया कि इस क्वेश्चन में लगेगा यू बाई जी, ये क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, आपको क्वेश्चन की वर्डिंग पे ज्यादा काम करना है, ध्यान रखिए जितने क्वेश्चंस करेंगे उतना बेनिफिशियल लेना हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, ऐसे स्टेयर केस बनाऊंगा, सीढ़ियां बनी हुई है मेरी, और सभी सीढ़ियों के बारे में बताया हुआ है कि ये एच हाइट की है, बी विड्थ की है, ईच स्टेप एच हाइट लॉन्ग एंड ऑफ स्टेप विड्थ बी, एक बॉल आ रही है यू स्पीड से,
कहा गया है फाइंड रिलेशन बिटवीन एन एच यू जी बी में. एन क्या चीज है? ये गिवन है बॉल स्ट्राइक्स एट द एज ऑफ एनथ स्टेप. दो क्वेश्चन होगा इस लॉजिक पर. यू स्पीड से बॉल आ रही है, बॉल स्ट्राइक्स एट द एज ऑफ एनथ स्टेप. फाइंड द रिलेशन बिटवीन एन एच यू जी बी. डायग्राम आपको बना के दे दिया. ये बीच में हमने डॉटेड से शो किया कि ये पहला स्टेप का एज हो गया, ये दूसरे स्टेप का एज हो गया, तीसरे स्टेप का एज हो गया, और ये मान लो ये nth स्टेप का एज हो गया. यानी आपके पास ये बॉल यहां स्ट्राइक कर लीजिए. हाँ, इन्होंने जवाब दे दीजिए क्या वर्डिंग आपको समझ में आई डायग्राम वाइज. अब इसको मैथमेटिकल कन्वर्ट आपने करना ताकि आप nh ug के सिस्टम कुछ रिलेशन फाइंड कर पाए. बताइए क्या प्रोसीडिंग्स करनी चाहिए, बताइए क्या प्रोसीडिंग्स हमें करनी चाहिए दैट सो दैट वी कैन गेट द रिलेशन बिटवीन nh ug b. क्या क्या आपको पता वो चेक कर लीजिए. हाइट पता लग गई है सॉल्यूशन की आपको, हाइट पता लग चुकी है, रेंज पता लग चुकी है. हाइट की वैल्यू बता दो सर आप. nh कैसे? एक स्टेप के एच पे तो 1h, दूसरे के एच पे तो 2h, ये nh हो गया. ये ns स्टेप का एच है. रेंज कितनी लिख दे? nb क्यों लिख दे वो भी चेक कर लेते हैं. पहले स्टेप के एच पे गिरती तो b, दूसरे स्टेप के एच पे गिरती तो 2b, ns स्टेप के एच पे गिरे तो nb. आया ना, मैं जवाब दे दीजिए, ये समझ में आ गया आप सबको क्या? अब आपको रिलेशन चाहिए था nh ugb में, अब क्या करें? क्या करें मतलब? कौन सा फॉर्मूला लगा दूं? रेंज इक्वल टू होता है यू रूट टू एच बाय जी. चल डिराइव कर लो दोबारा से, चाहे लिख लो. अब इसकी जगह पर रखना आपको nb और इसकी जगह पर रखना आपको nh. ये रिलेशन आ गया, लेकिन n को काटा जा सकता है तो स्क्वायर कर देते हैं. n स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर 2nh by g. एक n कट गया तो n की वैल्यू आ गई 2hu स्क्वायर by gb स्क्वायर. क्या आप सबको ये रिलेशन समझ में आ गया? जो आप दे दीजिए सबको समझ में आ गया कि रिलेशन कैसे स्टैब्लिश हुआ. इसके अलावा इस RH को डन है, कोई तरीका नहीं है हमारे पास. भी अगर पूरा पूरा भी सॉल्व करोगे बीच के स्टेप लिख के तो रखना आपको ये रिलेशन पड़ेगा. क्या तुम सबको बात समझ में आ गई? हाउ वी गेट एवर एबल टू फाइंड द एक्सप्रेशन. ये एच की जगह पे स्मॉल एच कर रहे हैं क्योंकि हर स्टेप की हाइट हमें स्मॉल एच की थी. क्या तुम सबको ये बात समझ में आ गई है? क्लियर है सबको? इसको नोट कीजिए. और अगला क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वो इससे थोड़ा सा ठीक लेवल का है, पहले इसको लिख लीजिए. इसी डायग्राम में हम एक चीज और लिखेंगे.
नेक्स्ट क्वेश्चन की वर्डिंग आपसे पूछ रहे हैं, डायग्राम ये रखते हैं बेसिक और इसको यहां से डालो। अब क्वेश्चन की वर्डिंग थोड़ी चेंज कर रहे हैं, ये लिखा हो या उसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की वर्डिंग यहां लिख रहा हूं, फाइंड यू मिनिमम सो दैट दिस बॉल ऑफ नेग्लिजिबल साइज strikes at third step, strikes at third step, what should we do? The second step is just water the level. Question की wording बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी कुछ बच्चों को कि क्या पूछा गया है, ध्यान से देखना पड़ेगा। अब ये थर्ड स्टेप के ऊपर गिरे, इसके लिए यू मिनिमम निकालना है और इस बॉल का साइज मैंने नेग्लिजिबल बना दिया, वेरी माइन्यूट साइज। जब तक साइज दे रखा हो साइज को छोटा लेके चलना होता है। और तुम्हें इसको कहां गिराना है? थर्ड स्टेप पे गिराना है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और ये थर्ड स्टेप। तो कैसे सॉल्व करें इसको, कैसे सॉल्व करें इसको? शुभ वर्डिंग पढ़, बार बार लाउडली वर्डिंग पढ़िए, सारे के सारे जन है वर्डिंग पढ़ो लाउडली और इसकी जैसे वर्डिंग पढ़ इसकी बहुत तेज तेज। एच इक्वल टू और रेंज इक्वल टू 3b। क्वेश्चन की वर्डिंग ये है कि एक स्टेयर केस है, सीढ़ियां बनी हुई है, एक बहुत छोटे से बॉल को आपने हॉरिजॉन्टल स्पीड दी है, डिमांड ये है कि u की मिनिमम से मिनिमम हमें बताओ कि वो थर्ड स्टेप पे गिरे, थर्ड स्टेप पे गिरे, सेकंड के एज से भी जा सकता है, कोई डाउट नहीं है। अगर 3 से सॉल्व करोगे और 2 से सॉल्व करोगे तो दो अलग अलग आंसर आएंगे, 3 से सॉल्व करोगे तो आप इसको यू मिनिमम नहीं दे रहे, यू मिनिमम की सिचुएशन ये वाली होगी कि ये बॉल जस्ट यहां से आ जाए। हाँ ना, जवाब दे दीजिए बच्चों, ये यू मिनिमम से मिनिमम है। अब इससे थोड़ी सी तेज दोगे तो थोड़ा आगे गिर जाएगा, थोड़ा और आगे गिर जाएगा, और ये एच भी गिरवाना तो बात अलग होती जब तुम 3H और 3B बोल रहे। क्या तुम बच्चों को क्वेश्चन की वर्डिंग समझ में आ रही है? क्या सारा गेम किसका है? क्वेश्चन की वर्डिंग का गेम है। क्या समझ में आ रहा है कि हम लोग रेंज की वैल्यू क्या लेने वाले हैं और राइट वैल्यू क्या लेने वाले हैं? क्योंकि अब हमें जो सबसे एक ही कोऑर्डिनेट के बारे में जो पता लग रहा है वो कोऑर्डिनेट ये वाला पता लग रहा है कि इसका रास्ता इस कोऑर्डिनेट से होके गया है और इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू 2b 2h है ना, मुझे जवाब दे दीजिए। और कोई कोऑर्डिनेट पता लग गया ना? यस और नो में कमेंट कर दीजिए कि आप सबको ये बात समझ में आ गई है कि इस कोऑर्डिनेट के अलावा कोई वेल डिफाइंड कोऑर्डिनेट नहीं है यू मिनिमम के केस के लिए। मिनिमम से मिनिमम स्पीड कितनी दी जाए कि ये ग्रेज करता हुआ निकल जाए ना, मिनिमम से मिनिमम कितनी स्पीड दे कि थर्ड स्टेप ही गिरे, थर्ड स्टेप कितना चौड़ा है भाई साहब? हाँ ना, जवाब दीजिएगा। थर्ड स्टेप पे ये कहां गिरेगा मैं ये भी निकलवा सकता हूं, तुम खुद भी निकाल सकते हो बाद में, पहले यू तो निकाल लो फिर तुम ये भी बता दो कितनी दूर गिरा यहां से। लेकिन थर्ड स्टेप पे गिरने की पॉसिबिलिटी यहां से लेके यहां तक कुछ भी हो सकती है। हाँ ना, मुझे जवाब दे दीजिए। तो ये आपको मैं पूछ लेता कि वो रेंज बताओ यू की जिसमें वो थर्ड स्टेप पे गिरे तो रेंज भी आ जाती। 3H 3B लेके यू मैक्स आ जाता कि उससे मैक्स उससे बड़ी स्पीड नहीं देंगे और यू मिनिमम यहां से आ जाएगा कि इससे छोटी स्पीड नहीं देंगे तो वो यू की रेंज आ जाएगी।
बातचीत समझ में आ रही है क्या यार, कि यू की एक रेंज है उस बॉल के तीसरे स्टेप पे गिरने की। हाँ या ना में जवाब दे दीजिए, कि आप सबको दिखाई दे रहा है। फिर कह रहा हूं सारा सारा का सारा जोर कहां पे है, क्वेश्चन की वर्डिंग पकड़ने में है, और कहीं जो जोर नहीं है प्रॉब्लम उस में। और जो ये लर्न कर जाता है चीजें उसके लिए मामला बड़ा इजी रहता है, मुझे बड़ा इजी मामला होता है। तुम लोग शुरुआत करते हैं हमारे किस क्वेश्चन की, कि हमसे यू मिनिमम पूछा गया है, तो फॉर यू मिनिमम अगर सॉल्व कर रहे हैं, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एच शुड बी टेकन एंड रेंज शुड बी टेकन, इट शुड टेकन 2h, इट शुड बी टेकन 2b, फॉर यू मिनिमम वी आर सॉल्विंग इट। तो रेंज इक्वल टू क्या आ गया, यू रूट 2h / g, मैं हमें वैल्यूज पुट करनी है, 4b स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर ट्वाइस h by g, स्क्वायर कर दिया इसके ऊपर 2 भी रख दिया, बाकी स्क्वायर कर दिया h के ऊपर 2h रख दिया, और एक 2 पहले से पड़ा था भैया, ये 4 से 4 तो कट गया, u की वैल्यू बतानी थी तो ये आ गई g टाइम b / h अंडर रूट, सॉरी b और h, b तो बाहर आ जाएगा, एक सेपरेट ही तो u स्क्वायर इक्वल टू g b स्क्वायर अपॉन h, तो u की वैल्यू कितनी आ गई, b टाइम रूट g / h। जवाब दे दीजिए, सबको बात समझ में आ गई है, बाकी तो कैलकुलेशन थी। ये क्या आ गया, दिस इज मिनिमम स्पीड कि वो वहां गिरे। बोलिए यार क्या तुम सबको समझ में आई क्या बात, क्लियर है सबको, नोट करेंगे प्रॉब्लम। जो आप तो बच्चों के यहाँ तक की बातचीत आप सबको समझ में आ गई है, कोई दिक्कत वाली बात वो तो बताइए। हटाया जाता है इस प्रॉब्लम को मेरे बच्चों, हाँ लिख लीजिए जरूर बताइए। नेक्स्ट पॉइंट पे चल रहे हैं इस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के लिए, हम लोग आराम से देखिएगा। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिख रहे हैं इसके लिए, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री मतलब पाथ इक्वेशन, कि ये जो प्रोजेक्टाइल आपने फेंका है उसका पाथ कैसा है, ये किस तरह की ट्रेजेक्ट्री है, इसे मैथमेटिक्स में किस नाम से जानते हैं, क्या ये स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, अगर ये कर्व है तो किस तरह का कर्व है, हम उसके बारे में बात करेंगे। ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन निकालने के लिए सिंपल से स्टेप है दो, आपको पोजीशन एक्स फाइंड करनी है एट टाइम टी, आपको पोजीशन वाई फाइंड करनी है एट टाइम टी, और उसके बाद इलिमिनेट करना है टी को, ये स्टेप्स रहेंगे, और आपके पास इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आ जाएगी। आपके पास क्या आ जाएगी, कब आ जाएगी, जब आप टी टाइम पे एक्स निकालेंगे, टी टाइम पे आप वाई निकालेंगे, और टी को एलिमिनेट करेंगे। इस प्रॉब्लम के लिए यूएक्स यू गिवन है, यूएक्स कितना गिवन है, यूएक्स कितना गिवन है, इसका एएक्स कितना है, अरविंद वेरी गुड बेटा, जीरो, यू वाई
ए वाई अंडर ग्रेविटी फॉल कर रहा है, उनके फोर्स तो रहेंगे अलोंग एक्स निकलते इन टाइम टी सेकेंड्स, एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, बट ए एक्स तो जीरो है, यू एक्स इक्वल टू यू टी अलोंग वाई लिख लेते हैं इन टाइम टी, वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, यू वाई जीरो है तो वाई इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ए वाई इज माइनस जी, दो स्टेप पूरे हुए, टी टाइम पे एक्स आ गया, टी टाइम पे वाई आ गया, टी को इलिमिनेट करना है, यहां से टी की वैल्यू एक्स बाई यू है वो यहां पुट कर देते हैं, वाई इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, ये इक्वेशन है वाई इक्वल टू माइनस ए एक्स स्क्वायर जैसी, ये सारा कॉन्स्टेंट मामला है और ये इक्वेशन है पैराबोलिक, यानी ये क्या हो गया, ये नेगेटिव के बारे में लिख रहा हूं, इस पूरी इक्वेशन के बारे में लिख रहा हूं, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, क्लियर हो गया कि इसकी प्रोजेक्टरी कैसी होगी, पैराबोलिक प्रोजेक्टरी होगी, क्या तुम सब बच्चों को बात समझ में आएगी कि पैराबोला की इक्वेशन तो इसको प्रोजेक्टरी पैराबोलिक पाथ होगा, इस पाथ का नाम क्या होगा, पैराबोलिक पाथ, क्या नाम होगा इस पाथ का, इस नाम इसका नाम होगा पैराबोलिक पाथ, क्लियर है जी, सबको बात समझ में आ गई है वाली, पक्का जवाब दे दीजिए, सबको समझ में आ गया ये सर, y - ax2 इनवर्टेड पैराबोला हो गया, नेगेटिव का मतलब सिर्फ y इक्वल टू पॉजिटिव ax2 का क्या मतलब बताया रखा है, और मालूम है कि y इक्वल टू ax2 अगर आप ऐसा बनता है, डू यू रिमेंबर, हम जानते हैं y इज इंक्रीजिंग मोर रैपिडली देन x, आई नो जो आप, और अगर ये नेगेटिव हो गया तो ये ग्राफ किस तरह बन जाएगा बेटा, नीचे की तरफ बन रहा, क्लियर हो गया तुम सबको, हो गया तो ये कौन सा ग्राफ हो गया, इनवर्टेड पैराबोला, लेकिन पाथ कौन सा पैराबोलिक पाथ है, चलाना चाहूंगा कि यहां तक की बातचीत तुम सबको समझ में आ गई है, नोट कीजिए बच्चों, आज के लिए लेक्चर में इतना ही है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन।